सऊद, हम ऑब्वियसली प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एक प्रोसेस से आना, यू आर द बेस्ट एग्जाम्पल इस वक्त अगर हम सामने देखें कि एक लड़का जो कि एज ग्रुप क्रिकेट से आते 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 और अब पाकिस्तान टेस्ट टीम का वाइस कैप्टन है, थोड़ा सा लेट्स जस्ट रिवाइंड बैक एंड गो बैक टू द जर्नी. व्हेन वाज द टाइम सऊद जब आपको लगा कि यस अब मैं कहीं करीब आता जा रहा हूं पाकिस्तान खेलने से? देखें, अगर मैं थोड़ा सा सोचूं इस बारे में, मैं पहला साल ही जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला तो मैंने उसी साल 3 सेंचुरीज बनाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट में. फिर मैं पाकिस्तान ए के साथ गया इंग्लैंड के दौरे पे, वो भी बहुत अच्छा रहा. मैं डेब्यू मैच में 2.50 किए वहाँ पे भी. लेकिन मैं ये समझता हूँ जब मैं 3-4 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल लिया था तो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट के जो सर्किल में भी जब मुझे आप जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार सब ये बात करते थे कि यार सऊद की लड़ी हो रहा है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लिए. और मैं भी ये पर्सनली समझता था तो कि मैं रेडी हो रहा हूँ टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने के लिए. लेकिन मैं इंडियन देखें वही बात करूँगा कि जो बेस्ट टाइम मेरे लिए लिखा हुआ था वो यही था कि मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं शायद मैं 1-2 साल लेट आया, लेकिन उसके पीछे जो मैंने मुझे तैयारी करने का टाइम मिल गया वो बनिस्बत बहुत ज़्यादा अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि अर्ली स्टार्ट से ही एक अच्छा सा स्टार्ट मिल गया टेस्ट मैच क्रिकेट में और वो अभी तक कंटिन्यू है. एक ऑस्ट्रेलिया का टूर थोड़ा सा मेरा कुछ इतना खास गया नहीं था, लेकिन उसको हटाने के बाद अगर सारी चीज़ें देखें तो अच्छी जा रही हैं. अच्छा, एक खब्बे ने एक खब्बे को खब्बे की जगह ली, फवाद आलम. फवाद आलम बहुत लंबा अरसा पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास भी क्रिकेट खेले, फिर जब उनको इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका मिला वहाँ पर भी परफॉर्मेंसेज दी, और फिर वो जाते हैं और आप आ जाते हैं. वो भी कराची से हैं, आप भी कराची से हैं, वो भी बाएं हाथ से खेलते हैं, आप भी बाएं हाथ से खेलते हैं, उसी नंबर पर वो भी खेलते हैं, उसी नंबर पर आप भी खेलते हैं. तो ये सारी चीज़ें एक का सफ़र ख़त्म होता है, एक का शुरू होता है. ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह हुआ, लेकिन ये है कि फादी भाई की हमेशा से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है. मैं जब कराची की टीम में भी फर्स्ट टाइम आया, फादी भाई उन दिनों कराची की टीम में भी होते थे और मैं उनको बहुत देखता था. मतलब वो भी एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, एक इंसान जो प्रोसेस फॉलो कर रहा होता है. इवन अगर आप आज के दिन भी देखें तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने हैं और हमारी दूसरी वाली टीम में है अभी राइट नाउ वो, और उनका जो फिटनेस लेवल है अभी भी, जो उनकी कमिटमेंट लेवल है, मेरा मैं नहीं समझता किसी यंगस्टर की भी वो अभी होगी. अगर आप उनको ग्राउंड में आप स्टिल अभी देखें, इवन के कोई भी यंगस्टर उनको अभी मैच ही नहीं कर पा रहा होगा, तो वो बहुत बड़ी एग्जाम्पल है कि आपने अपना काम करते रहना है और अपने टाइम का वेट करना है. इवन जब मैं पाकिस्तान टीम में भी आया तो मैं कोई 13-14 मैच मैंने जो है वो टीम के साथ रहा उस डेब्यू से पहले, तो मैं देखता रहता था कि यार फादी भाई किस तरह काम करते हैं और बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता है और उनके साथ भी थोड़ा काम करते हैं कि उनको भी थोड़ी प्रैक्टिस करा रहे होते हैं तो सीखने को मिलता है. यार एक इंसान अपना काम रोज़ की बुनियाद पर एक जैसा ही करे जा रहा है, वो नहीं देख रहा कि यार उसको चांस मिल रहा है नहीं मिल रहा, कब मिल रहा है कब नहीं मिल रहा. तो एक बहुत बड़ी एग्जांपल है किसी भी यंगस्टर के लिए कि अगर आपने किसी भी प्रोसेस को फॉलो करना है और उस पर स्टक रहना है तो उसमें फवाद आलम एक बहुत बड़ी एग्जांपल है. नो डाउट एग्जांपल है, बिकॉज जिस तरह दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं प्लेयर्स, और हमने देखी वो एग्जांपल हमारे सामने, समी की एग्जांपल है. समी असलम जो है वो बहुत जल्दी हो गए, या वो दैट्स हिज डिसीजन के वो जल्दी दिल बर्दाश्ता हुए या नहीं हुए. बट सऊद, जब हम कराची के क्रिकेट की बात करते हैं, कराची के लड़कों की बात करते हैं, एक नाम जो कि हमेशा सबके सामने आता है, मतलब मैं तो जनरली आई कॉल हिम द मदर ऑफ कराची के सारे बैटर्स या प्लेयर्स, वो आज़म खान साहब का आता है. हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज हिज रोल इन योर लाइफ? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जाना उन्होंने प्ले किया है. मैं ये समझता हूँ कि ख़ासतौर पर मेरी लाइफ में, लेकिन एक ओवरऑल जितने भी हम शायद कराची के क्रिकेटर्स हैं, ख़ासतौर पर हमारे क्लब के क्रिकेटर्स हैं, बहुत बड़ा रोल है उनका हमारी जो है ना जर्नी यहाँ तक पहुँचाने में. आज फ्लाइट ले रहा था तो शान भाई से बात हो रही थी, उनका जिक्र आया. तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हम लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि किस वक्त में, जब मैं 11-12 साल का एक छोटा सा बच्चा होता हूँ और वो आपकी उस टाइम पे हेल्प कर रहे होते हैं, उस टाइम से आप ही टेक केयर कर रहे होते हैं कि उनको एक विजन नज़र आ रहा होता है कि यार ये बच्चे में थोड़ी सी क्वालिटी है, ये ऊपर जाके पाकिस्तान से खेल सकता है. हर मौके पर हर मोड़ पर वो साथ खड़े होते हैं. स्टिल इवन अभी भी हमें कोई मसला आ रहा होता है या कुछ आ रहा होता है तो सबसे पहला फ़ोन अगर हम किसी क्रिकेटिंग के बंदे को या क्रिकेट सर्किल के बंदे को करते हैं तो हम सबसे पहले उनसे रब्ता करते हैं, यार ये थोड़ा सा आज हम भाई देख लें कोई मसला आ रहा है
या ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसको मैं देखूँ ना देखूँ। तो जिंदगी के हर फेज में मेरे ख्याल में कोई भी डिसीजन लेने में थोड़ा सा आप कहीं फंस रहे हो वो काम आते हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो है उनका रोल रहा है हमारी लाइफ में। बिल्कुल। तो सर जैसे आपने बताया कि आपके करियर में आज़म खान का कितना रोल है, और नॉट जस्ट आपके, कराची के, जिस तरह मैंने अभी पहले भी मेंशन किया कि कराची के क्रिकेटर्स की माँ कहा जाता है आज़म खान साहब को, आज़म खान साहब का आपके बारे में क्या कहना है, किस तरह वो आपकी जर्नी को डिफाइन करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल सऊद शकील मेरे पास कोई 11-12 साल के थे जब से हैं। पहले दिन मैंने इनको नेट पे लेके आए, मैं लेके आया पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के नेट पे, तो वहाँ रुमान रईस जो हमारे क्लब के बॉलर हैं, अनवर अली, ताबिश खान और मीर हमज़ा, ये बॉलिंग कर रहे थे, तो असद शफीक और सरफराज भी वहाँ पे नेट कर रहे थे। तो मुझे सरफराज कहने लगा, आज़म भाई बच्चा है, लग जाएगी गेंद। तो मैंने कहा ये मुस्तकबिल का स्टार है और ये तुम देखना पाकिस्तान से खेलेगा। खैर जब वो बैटिंग करने गया, उसने बैटिंग की, तो सरफराज ने भी कहा कि वाकई आज़म भाई ये तो बहुत अच्छा क्रिकेटर है। तो जब सरफराज ने उसको टेस्ट कैप दी, तो सरफराज ने वो मेरा जुमला दोहराया कि ये पाकिस्तान से खेलेगा। उस वक़्त तो ये 11-12 साल का था और वो पैडों के अंदर ही आ जाता था जो पैड थे। तो माशाल्लाह से अच्छा खेल रहा है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। थैंक यू आज़म भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। बीइंग अ वाइस कैप्टन, कितना फर्क है सऊद शकील में, सऊद शकील बिफोर बीइंग अ वाइस कैप्टन एंड नाउ सऊद शकील बीइंग अ वाइस कैप्टन, लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंटली बढ़ जाती है या यू टेक इट एज द एज इट गोज? देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, लेकिन देखिए इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखें तो आपको हमेशा वो हेल्प करती है। जब भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी एक्स वाई जेड, आप फील्ड में हो, आप क्रिकेट में हो या आप क्रिकेट के बाहर हो, कभी भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो आप अगर आप उसमें अच्छा सोच रखते हैं और उसको अच्छी पॉजिटिव तरीके से लेते हैं, तो आप उसमें और अच्छा आउटकम दे सकते हैं। तो मैं हमेशा से कोई भी लेवल पर खेल रहा हूँ, अगर मैं छोटे लेवल पर भी खेल रहा हूँ, मैं वहाँ कप्तानी भी कर रहा हूँ, तो हमेशा से चीज़ को इन्जॉय किया है और एक कभी भी एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लिया और कोशिश की है कि उसमें अच्छे से परफॉर्म करें, फ्रंट से परफॉर्म करने की कोशिश करें। और यहाँ जब तक वाइस कप्तान की बात है, तो ऐसा जितना ज़्यादा कोई सोचने वाली बात नहीं होती है इसमें, और इसमें कोई प्रेशर लेने वाली बात नहीं होती, बस कोशिश ये होती है कि कोई भी पाकिस्तान के लिए मैच खेल रहे तो उसमें इस तरह परफॉर्म करें कि पाकिस्तान मैच जीते। बिल्कुल। स्पिन के खिलाफ खेलते हुए सऊद शकील क्या खास प्रैक्टिस करते रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आने से पहले? फर्स्ट क्लास क्रिकेट का भी आगे चलकर आपसे पूछेंगे, लेकिन अगेंस्ट स्पिन इतनी ज़्यादा सक्सेस आपकी, कितना इसके लिए क्या खास चीज़ आपने की? अभी भी अगर दुनिया में जो अगेंस्ट स्पिन बड़ी शानदार एवरेज रखने वाले इस वक्त भी हैं, तो आप उनमें सबसे नुमाया नज़र आ रहे हैं। देखिए जब आपका ब्रॉटअप हो रहा होता है तो सारी चीज़ें स्किल सेट वहीं से हो रहा होता है। मैं जो कि कराची से बिलोंग करता हूँ, तो कराची में थोड़ी सी स्पिन पिचेस होती हैं अगर आप क्लब क्रिकेट जाएँ, और अगर आप थोड़ी सी गली मोहल्ले वाली क्रिकेट भी खेलें तो आपको वहाँ स्पिनर्स खेलने को मिल जाएंगे। तो मैं वही खेल के बड़ा हुआ, तो शायद मेरा स्किल उनके खिलाफ ज़्यादा अच्छा सेट हुआ हुआ है। और एक चीज़ है कि हमेशा से स्ट्राइक रोटेशन को अपनी स्ट्रेंथ समझिए, तो स्पिनर्स के खिलाफ आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है स्ट्राइक रोटेट करने की भी, तो जो कि मेरी स्ट्रेंथ भी है, तो उसके मुताबिक वो फिर मुझे हेल्प करता है रन बनाने के लिए। कुछ शॉटों पर ज़रूर काम किया है। देखें स्वीप शॉट एक ऐसी शॉट थी मेरे पास जो जिसको मैंने और ज्यादा डेवलप किया, कोशिश की अंदर मारना भी सीखा है, कोशिश की बाहर मारना भी सीखा है। इसके साथ रिवर्स स्वीप थोड़ी सी डेवलप की है। हम इतना ज्यादा मॉडर्न डे क्रिकेट जब आ रही है तो आप वो आपको एक तरफ पैक कर लेते हैं, तो आपको रिवर्स स्वीप भी आनी चाहिए। रिवर्स स्वीप में भी 2-3 ऑप्शन है, आपको अंदर मारनी आनी चाहिए, बाहर मारनी आनी चाहिए। तो वक्त के साथ साथ जो है वो सारी चीज़ों को ना अपने गेम में ऐड करने की कोशिश की है, और वो आपको फिर सीरीज से पहले थोड़ा सा डिसाइड करना पड़ता है कि यार ये चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ, उनको अप्लाई किस तरह करना है जाके। तो इस तरह का काम करता रहता हूँ और आगे भी कोशिश करता रहूंगा कि इस तरह का काम करता रहूँ। अच्छा सर, टेस्ट क्रिकेट की तो हम बात करें, शॉर्टर फॉर्मेट की मैं जब बात करती हूँ, लिस्ट ए का आपका रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ओडीआई में आपने जब भी अभी पाकिस्तान को 15 ओडीआईज में रिप्रेजेंट किया, वो भी एक रिकॉर्ड अच्छा रहा। राइट नाउ व्हेन पाकिस्तान इज प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद जिम्बाब्वे का टूर भी करना है, यू नॉट बीइंग इन ODIs, कोई मतलब डू यू रिग्रेट दैट, और आपको कोई रीज़न समझ आती है या आपसे कोई रीज़न कम्युनिकेट की गई है कि सऊद आप इसलिए नहीं खेल रहे पाकिस्तान के लिए ODI में, इसलिए रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, एनी थिंग दैट हैज़ बीन कम्युनिकेटेड टू यू?
थोड़ा सा आपने ये टफ क्वेश्चन फेंक दिया ये मेरी तरफ। तो खैर देखें, लास्ट जो वनडे क्रिकेट हुई वो वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद से कोई भी एक साल से वनडे नहीं हुआ, तो काफ़ी टाइम आ गया था बीच में। लेकिन मुझे मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं है ऑनेस्टली बताऊँ, और इतफाक से किसी से जो है वो कम्युनिकेशन भी नहीं हो पाई इससे रिलेटेड किसी भी बंदे से कि क्या वजह हुई कि मैं नहीं आ पाया। देखें मैं हमेशा से इस चीज़ का बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि आप अपना काम करते रहें, और ये पाकिस्तान की टीम है और इसमें जो बेस्ट हो वो जो पाकिस्तान को जिताने की अहलियत रखता है उसका पूरा हक बनता है पाकिस्तान से खेलने का। और अब जो भी लड़के गए मेरी उनके लिए बहुत ज़्यादा नेक तमन्ना है। देखें कामरान गुलाम गए, उन्होंने बहुत वेट किया है इस अपॉर्चुनिटी का, काफ़ी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की है, फिर भी तकरीबन वही लड़के हैं। तो मैं ये समझता हूँ देखें पाकिस्तान की टीम है, जो अच्छा होगा जो डिजर्व करता होगा, शायद मेरी शायद कोई मेहनत में कोई कमी रह गई होगी उस रिलेटेड वाइड बॉल क्रिकेट, तो शायद आज मैं इस टीम का पार्ट नहीं हूँ। लेकिन यह कि मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जहाँ भी मौका मिलेगा तो कम बैक करने की कोशिश करूंगा, और ये समझता हूँ कि जो भी लड़के गए वो डिजर्व करते हैं जाना। अच्छा, आपने अभी कहा कि कामरान गुलाम का जिक्र किया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने लंबी खेली और फिर उसके लिए इंतजार किया, आप भी उसी प्रोसेस से आए हैं, तो किस हद तक आपके ख्याल में अगर किसी ने 2, 4, 5 सीज़न खेले हैं और जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए आता है तो उसको किस चीज़ का फ़ायदा होता है, जो कि अगर कम टेस्ट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हुआ अगर कोई खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो? देखिए मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि एज अ बैटर ना थोड़ी सी अगर आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली भी हो, थोड़ा सा आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आपको सिचुएशन से निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है, मैं ये समझता हूँ। देखिए कामरान गुलाम उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है, शायद मैं थोड़ी सी उसकी एग्जांपल हूँ कि जैसे भी सिचुएशन में आए इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ी सी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली हुई थी, मेरे ख्याल में मेरे भी 15-16 फर्स्ट क्लास शो थे जब मैंने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच में डेब्यू किया। सेम गोज़ विद कामरान गुलाम, उसके भी कोई ऐसे 15-16 शो थे। तो आपको रन बनाने आते हैं और आपको सिचुएशन से निकलना आता है, सिचुएशन को हैंडल करना आता है। लेकिन देखें कोई कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जो आप बहुत अर्ली जो है ना उनको चूज़ कर लेते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकते हैं, और उनकी एक सेलेक्टर्स की भी और एक जो ऊपर लोग बैठे होते हैं उनकी एक आई होती है। तो लेकिन ये कि थोड़ा सा अगर बैटर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हो, मैं तमाम यंगस्टर्स को ये मशवरा भी देता हूँ, खैर मैं अभी इतना अभी बड़ा नहीं हुआ हूँ कि जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है कि वो जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वहाँ खेल के ना सारी सिचुएशनों से गुजरे हुए होते हैं, तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बस एक प्रेशर एड ऑन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बाकी क्रिकेट वही रहती है 90 ओवर्स वाली। तो ये कि उसका अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। हाँ बिल्कुल, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की मैं साउथ काफ़ी जो करंट प्लेयर्स हैं उनसे भी ये बात पूछती हूँ, फॉर्मर क्रिकेटर्स से भी ये पूछती हूँ, क्या किसी भी फॉर्मेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए एक एटलीस्ट बैटर्स के लिए ये प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि वो कम से कम 2 सीजन खेले हुए हों फर्स्ट क्लास के, चाहे वो ODI को रिप्रेजेंट करेंगे चाहे वो T20 टीम में जाएंगे, मगर उनकी फर्स्ट क्लास की बेस स्ट्रांग होनी चाहिए? जी बिल्कुल, देखें वही बात हो रही है ना कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप 2 सीजन खेले आगे तो आप हार्डली 8 से 10 मैच खेलते हैं एक सीजन में, और आपने 20 मैच खेले होंगे, ये कि हाँ 2 सीजन आपने खेले हो, फिर साथ देखें एक क्रिकेट अभी दोबारा से बहुत ज्यादा होने लगी है पाकिस्तान ए के जो टूर्स हो रहे हैं, टीमें आ रही हैं, श्रीलंका ने आना है अभी नेक्स्ट वीक में वो होना है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फेज है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मैं पर्सनली ए क्रिकेट भी काफी ज्यादा खेला हूँ, वही जाके भी खेला हूँ एक मैच के, इंग्लैंड भी जाके मैं खेला हूँ, मैं वनडे भी खेला हूँ पाकिस्तान ए से, तो मैं समझता हूँ वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो अब बहुत ज्यादा हो रही है और एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि देखें वही जो है ना चैलेंजेस आते रहेंगे आपके पास और आप उसमें सीख लेंगे कि इस चैलेंजेस को कैसे लेना है, इन चैलेंजेस से निकलना कैसे है, तो जितनी ज़्यादा आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा आप वो जाके फिर इंटरनेशनल में अप्लाई भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको वहाँ बहुत सक्सेस मिलेगी। बट साउथ सारी कोर यही है कि अगर टेक्निकली साउंड होता है प्लेयर सो वो लॉन्गर फॉर्मेट खेले या शॉर्टर फॉर्मेट खेले वो खुद को एडजस्ट कर सकता है। एनी मैसेज, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कहूँगी मैसेज टू यंगस्टर्स तो एक अजीब सा लगेगा कि आप भी अभी यंग ही हैं, बट जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं नए आने वाले प्लेयर्स हैं, एनी मैसेज फॉर देम किस तरह अपने आप को फॉर्मेट टू फॉर्मेट जैसे आप खुद को प्रूव कर रहे हैं वैसे वो प्लेयर्स कैसे प्रूव कर सकते हैं खुद को? देखिए इसका सिंपल तरीका सा यह है कि आप कोई भी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं ना तो आपका एक विजन होना चाहिए उसके पीछे,
और उसकी तैयारी को कम से कम ना मैं ही समझता हूँ कि 1.5 से 2 महीने आपने लगाने चाहिए पीछे ना। कोई भी अगर विजन बनाए तो उसको लिए 1.5 से 2 महीने रख के उसको विजन बनाए और फिर उस पर स्टक करें, और जो भी चीज़ फिर वहाँ सीखें तो उसको अप्लाई करने की लाजमी कोशिश करें। जो भी आपका वो आ रहा है तो उसमें आपको ज़रूर अल्लाह ताला की मदद मिलेगी। साउथ शकील हमारे साथ हैं, और जो कभी ये अपने सीनियर्स के साथ खेला करते थे जिस क्लब में, आज वहाँ के बच्चे जो नौजवान करेक्टर्स हैं वो साउथ शकील को अपने साथ भी खेलते हुए देखते हैं और फिर उनको पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करते हुए भी देखते हैं। आज बच्चे वहाँ पर क्या कहते हैं साउथ के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के, ये भी सुनते हैं। मैं भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ तो मैं उनको देखता हूँ बहुत, उनकी बैटिंग मेरे को अच्छी लगती है तो मैं उनको वॉच करता हूँ और वो इंस्पिरेशन है हमारे लिए। अक्सर आए हुए होते हैं साउथ शकील और सरफराज अहमद, उनको बॉलिंग करने का भी मौका मिलता है और वो काफ़ी बताते भी हैं कि नीचे नीचे खेलो, अपनी लंबी बारी करो। हमारी भी यही कोशिश है हम उनकी तरह बने, पाकिस्तान टीम में खेलें और वो भी अच्छा खेलते हैं, हमारी भी कोशिश है उनकी तरह ही खेलें और पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करें। उनको टीवी में देखते हैं कि वो कैसा खेलते हैं, नीचे नीचे सिंगल लेवल वैसे अच्छा गेम करते हैं तो हम कोशिश करते हैं उसके जैसी करें। ये यही सोचते कि उन्होंने भी कितनी मेहनत करी होगी पाकिस्तान की टीम में जाने में, हम भी उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, पाकिस्तानी टीम में जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबका, और उम्मीद करता हूँ और आप लोग भी इस तरह मेहनत करते रहेंगे और हम भी इन्हीं इसी ग्राउंडों से निकल के थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए अभी खेल रहे हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपना बहुत ज़्यादा मेहनत जारी रखें और अपने माँ बाप की दुआएं लेते रहें साथ। बहुत शुक्रिया। अच्छा साउथ, कौन से बाएं हाथ के बल्लेबाज आपके पसंदीदा हैं जिनको आप फारे वक्त में देखते हैं, जिनको बचपन से देखते हुए आए हैं? मैं स्टिल देखें हम मेरी बहुत ख्वाहिश थी मैं कुमार संगकारा से मिलूँ, तो एक दो ओकेजन पे मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है और मुझे उनका खेल हमेशा से बहुत पसंद था, बहुत वन ऑफ द ग्रेट्स हैं इस गेम के, और कभी भी फारिग होता हूँ तो बहुत ज़्यादा उनकी बैटिंग स्टिल अभी भी देखता हूँ। इवन के जिन दिनों अभी मैं स्पिन ज़्यादा खेल रहा था तो मैं इवन जो मैं उनकी साहिद भाई के अगेंस्ट बैटिंग मैंने उनकी निकाल के काफ़ी देखी कि वो साहिद भाई को जिस तरह खेलते होते थे, तो ये कि वो मेरे फेवरेट बैटर हैं। और एनी मैसेज टू द करंट टीम जो कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, कल दूसरा ओडीआई खेलेंगे, और जो जैसे मैं एग्जांपल कामरान की देना चाहूँगी क्योंकि कामरान जिस तरह भी आउट हुए थे पिछले मैच में, वो ऐसा लगा कि अभी एडॉप्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस को और उनको जिस तरह ट्रैप किया गया, पैट कमिंस ने ट्रैप किया। एनी मैसेज एंड एनी सजेशंस टू योर टीम मेंबर्स, टू द बैटर्स के उन बाउंसी विकेट पर कैसे खुद को मैनेज करें? देखें मेरी तरफ से कोई इतना कोई खास मैसेज नहीं है, हम देखें वो सब प्रोफेशनल्स हैं और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं सारे, तो उनको पता है, मुझे पता है कि उनको सबको पता है कि किस तरह इन चीज़ों को हैंडल करना है और किस तरह इन चीज चैलेंज से भी निकलना है। तो बस मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात हैं कि हम जो है वो यहाँ पे जाके अच्छा परफॉर्म करें और ये सीरीज यहाँ से भी जीतने की कोशिश करें, जिस तरह हमने टर्न अराउंड अभी यहाँ पे किया इंग्लैंड के खिलाफ। तो बहुत ज़्यादा जो है वो मेरी तरफ से बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के लिए। सऊद, आप मुख्तलिफ वक्तों में टेस्ट मैच में मुख्तलिफ साथी खिलाड़ियों के साथ बैटिंग करने का मौका मिलता है, आपका फेवरेट बैटिंग पार्टनर कौन है, किसके साथ बैटिंग करते हुए ज़रा थोड़ा आसान हो जाती हैं चीज़ें, किसके साथ ज़रा थोड़ा मुश्किल होता है कि अपने अपने बैटिंग के ऊपर तवज्जो देना पड़ती है? मेरा ख्याल है तो आपने गलत बंदे से सवाल कर लिया, साथ खेलने में ज़्यादा मुश्किल होता है बनिस्बत मैं किसी के साथ बोलूँ। लेकिन देखिए मैं 3 नंबर, मैं 5 नंबर पे खेलता हूँ और फिर रिजी भाई आते हैं, फिर आगा सलमान आता है, तो कोई कोई सिचुएशन में ज़्यादातर बैटिंग मेरी रिजवान भाई के साथ आई है और जो ना आगा सलमान के साथ आ जाती है, तो इनके साथ अभी मैं थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है मैं ज़्यादा खेल गया हूँ तो एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है ख़ासतौर पर रिजवान भाई के साथ और आगा सलमान के साथ। आगा सलमान मेरा ऑफ द फील्ड भी बहुत अच्छा दोस्त है, उससे एक अलग तरीके का अंडरस्टैंडिंग है, तो वो फिर मैच में भी हेल्प करती है, ड्यूरिंग ड्यूरिंग बैटिंग भी वो चीजें काफी ज्यादा हेल्प करती हैं। सो सऊद, आपका नेक्स्ट वेंचर होगा साउथ अफ्रीका, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, हमारा आखिरी सवाल आज का। जी बिल्कुल, देखें हम अपने अपने तरीके से मैंने बिल्कुल उसकी तैयारी स्टार्ट की हुई है और कुछ नए प्लान हैं उसको लेते हुए और कुछ नई कोशिशें हैं कि किस तरह जो है उस टेस्ट सीरीज को टैकल किया जाए और क्या प्लान किया जाए। स्टिल जो है बहुत अर्ली डेज में हूँ अपने एक प्लान को लेके, लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा कोशिश है, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ भी है कि मेहनत करने की जो तौफीक अता फरमाएं और कोशिश करेंगे कि अच्छा रिजल्ट करें और पाकिस्तान को वापस मैच जिताएं।